यूपी सिटी न्यूज। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सांसद रवि किशन शुक्ला ने गोरखपुर की जनता को छठ पर्व की बधाई दी और उन्होंने अपने बधाई संदेश में कहा, प्रकृति के प्रति वंदनीय भाव के प्रतीक लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के प्रथम व्रत नहाए खाए और खरना की आप सभी को शुभकामनाएं। घाट पर करीबन कल छठ माई की कृपा से 50,000 से ज्यादा भीड़ यहाँ जुटेगी, तो कोई भी पूज्य महाराज जी का आदेश था कि कोई भी कोताही ना हो, तो मैं एक सांसद होने के नाते पूज्य महाराज जी का आदेश लेकर कल रात उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि सांसद जी सारे घाटों का निरीक्षण कर लीजिएगा। थोड़े बांस बल्ली एक जगह गैप था, वो बता दिया गया, बाकी पूरी व्यवस्था बहुत बड़ी, क्योंकि 50,000 से ज़्यादा भीड़ आएगी तो थोड़ा चिंता का विषय भी रहेगा कि बच्चे भी रहेंगे, माता बहनें रहेंगी, उम्र दराज भी लोग रहेंगे, तो कहीं कोई हम लोगों की तरफ से कोई गलती ना होगी, कोई दुर्घटना हो, तो वही सारी चीज़ों को बड़े बारीकी से देखा गया। साफ सफाई की व्यवस्थाओं को भी देखा गया कि कोई पन्नी ना हो, ये कोई गंदगी ना हो, तो वो सारी चीज़ों को बड़े अच्छे से देखा गया और मैं व्यवस्था से बहुत प्रसन्न हूँ। और थोड़ी बहुत छोटी कमियाँ थी, वो मुझे लगता है शाम तक वो भी ठीक हो जाएंगी। तो हम लोग प्रशासन की तरफ से पूज्य महाराज जी का क्षेत्र है, राजघाट है, ये पूरे देश की नज़र रहती है इस घाट पर, ये इतना पॉपुलर घाट है, 65 करोड़ रुपया खर्च करके महाराज जी ने इसको बनाया है और यहाँ पे सब लोग इसको देखने आते हैं, यहाँ शूटिंग होती है, वीडियोग्राफी होती है, तो वो भी इसको ज़रा सेंसिटिव तरीके से देख रहा था मैं जी। अगर बात करें गंगा से लेकर टेम्स नदी तक छठ का महापर्व मनाया जाता है, क्या कहेंगे देशवासियों और खासकर जो विदेश में भी लोग रह रहे हैं, अमेरिका तक में? मैं बहुत देखिए, मैं मॉरिशस भी रहा हूँ, वहाँ पर देखा, मॉरिशस में भी भोजपुरिया समाज है, उसको छठ माई की कृपा बहुत बड़ी है और आज उसको ट्रिनाड एक कंट्री है, फुजी है, गुयाना है, सूरीनाम है, अमेरिका है, कनाडा है, समस्त हिंदुस्तान है। मुंबई में मैं हर साल रहता था तो वहाँ पे 20-30 लाख लोग जुहू बीच पे आते थे। दिल्ली से मैं अभी आया हूँ तो वहाँ यमुना नदी के पास करीबन लाखों लोग होंगे, तो 24-25 करोड़ का हमारा भोजपुरिया समाज है, तो ये समाज बहुत बड़ा है और उनकी आस्था छठ माई पर बहुत है और छठ माई की कृपा बहुत असीम होती है। जो भी व्रती होती, जो भी मनौती होती है, वो पूरी होती है और ये उनकी कृपा जैसे बढ़ती जा रही है। छठ माई के बारे में उनके जैसे जैसे जानकारी हो रही है, जो भोजपुरिया समाज के लोग नहीं है वो लोग भी व्रती रह रही हैं, वो भी माताएं बहनें अपने परिवार के लिए रह रही हैं, तो ये बहुत अच्छा है। तो आज कल पूरे देश के हर चैनल पर रहेगा, प्रधानमंत्री जी भी इस पर आप शुभकामनाएँ देंगे, मुख्यमंत्री जी की खास नज़र है क्योंकि उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी है। तो ये उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर पाने के लिए डाउनलोड करें यूपी सिटी न्यूज के एप्लीकेशन को, अब प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध। यूपी सिटी न्यूज, जुड़िए उत्तर प्रदेश से।